और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तेज बहादुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जिसे तेज बहादुर बीएसएफ से बर्खास्त हो गया है। तेज बहादुर वही शख्स है जिसने वीडियो बनाया था अपनी बदहाली को लेकर, बताया था कि वहां पर खराब खाना दिया जाता है बीएसएफ में। ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद मीडिया में खबरें चली थी, जिसके बाद सेना एक्शन में आई थी। सेना ने कहा था कि जांच की गई है वीडियो की भी और साथ ही खाने की भी, और अब तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया है बीएसएफ से। तेज बहादुर का वीडियो वायरल हुआ था, आपको बता दें ये वही वीडियो है जिसमें तेज बहादुर ने दिखाया था कि किस तरह से दाल चावल और दूसरी चीजें दी जाती हैं सेना में और घंटों ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन खाना उस तरह से नहीं दिया जाता है। तमाम बातें उसने अपने इस वीडियो में कही थी, जिसके बाद मीडिया में ये वीडियो आया था और ये वीडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद सेना ने ये कहा था कि कार्रवाई की जाएगी अगर कोई दोषी पाया जाता है, जो सेना के उच्च अधिकारी हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं। लेकिन बीएसएफ की छवि खराब करने का इस पर आरोप लगा है और इसी के चलते इसे बर्खास्त किया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बर्खास्तगी वाकई हैरान कर देने वाली, क्योंकि ये कहा गया था कि तेज बहादुर ने वीडियो बनाया है वहां पर जो मौजूदा हालात है उसके बारे में। उसके बाद तेज बहादुर की पत्नी ने ये कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया और अब बर्खास्तगी भी हो गई है उसकी। देखिए, तेज बहादुर के मामले में बीएसएफ की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आदेश दिए गए थे और सब इंक्वायरी की पूरी प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के तहत जो भी पूछताछ उन जवानों से की गई है जो कि हाई एल्टीट्यूड में उस वक्त तेज बहादुर के साथ मौजूद थे, और उस पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली थी बीएसएफ को कि वहां पर खाने की ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जिस बात को लेकर के इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी डाल दी थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पूरी जानकारी मिली और उसके बाद पूरा विस्तृत विवरण तेज बहादुर को भी सुनाया गया कि पत्नी ने कहा है कि ये सरासर नाइंसाफी है जिस तरह से तेज बहादुर को बर्खास्त किया गया, क्योंकि उसने वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी, उसी का वीडियो बनाया था, खराब खाने की शिकायत की थी और ये नाइंसाफी की गई है बीएसएफ की तरफ से। क्या कुछ कहा तेज बहादुर की पत्नी ने सुनिए। आज मेरे हस्बैंड का फैसला हो गया है और उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है उसको। उसने जवानों के हित में ये कदम उठाया था और देश को अपना खाना दिखाया था, और इससे आगे कोई भी माँ अपने बच्चे को फौज में भेजेगी क्या? कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसकी 20 साल की सर्विस हो गई थी और उसको डिसमिस कर दिया गया? ये सरकार को चाहिए था कि उसको बाइज्जत घर भेजे, और सरकार ने ये बहुत गलत किया है। इससे आगे कोई भी माँ कोई भी पत्नी अपने बच्चों को फौज में भेजने से डरेगी? सरकार ने बहुत गलत किया है। आज उनका डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है और कल वो घर पहुंच जाएंगे। तेज बहादुर की पत्नी बीएसएफ के इस फैसले को गलत बताते हुए, उनका कहना है कि तेज बहादुर ने सिर्फ वहां की स्थिति दर्शाने की कोशिश की थी, किस तरह से वहां जवान खराब परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, लंबे समय तक ड्यूटी करते हैं और किस तरह का खाना उन्हें परोसा जाता है, तमाम बातें इस वीडियो में दर्शाई गई थी। और अब जो कदम बीएसएफ ने उठाया है वो सरासर गलत है, कहना था तेज बहादुर की पत्नी का। सरकार ने ये गलत काम किया है, तेज बहादुर की पत्नी का बयान आया है, उसमें साफ तौर पर कह रही है कि सरकार ने सरासर नाइंसाफी की है तेज बहादुर के साथ।